हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीमा नगर को पेयजल संकट से निजात दिलवाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट का कार्य दिसंबर 21 तक पूर्ण करवाने की मांग को लेकर गठित नर्मदा संघर्ष समिति द्वारा स्थानीय उपखंड कार्यालय के समक्ष आयोजित बेमियादी धरना प्रदर्शन और पीएम व सीएम के नाम संचालित हस्ताक्षर अभियान के 29वें दिन दूसरे चरण का आगाज सोमवार को हुआ। वह उत्तम कुमार दर्जी कार्मिक अनशन पर रहे। आंदोलन के तहत सोमवार को राजस्थान किसान संघर्ष समिति के जिला संयोजक विक्रम सिंह पुनासा, अध्यक्ष बद्रीदान चारण, कोषाध्यक्ष सुरेश व्यास व मोड़ाराम देवासी, भाजपा नेता छगन लाल पुरोहित देलवाड़ा, पूर्व सरपंच सावलाराम पुरोहित, छैल सिंह लूर, प्रतिष्ठित व्यवसायी उमराव सेठ, अशोक सेठ व पूर्व नपा उपाध्यक्ष जयपुरा राम माली के नेतृत्व में बड़ी तादाद में किसानों व गणमान्य लोगों ने धरने में भाग लिया। इसके बाद पीएम व सीएम के नाम उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी व तहसीलदार राम सिंह राव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि भीमार, रानीवाड़ा, साचौर व जालौर विधानसभा क्षेत्र के 256 गांवों व करीब 1100 ठाणियों में निवासरत लोगों को पेयजल संकट से निजात दिलवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। साचौर व जालौर विधानसभा क्षेत्र के 256 गांवों व करीब 1100 ठाणियों में निवासरत लोगों को पेयजल संकट से निजात दिलवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा योजना को मंजूर कर कार्य चालू करने के लिए बजट भी आवंटन किया गया था। आवश्यक औपचारिकता के बाद निर्धारित समय पर कार्य चालू किया गया। उक्त वर्ष 2016 के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते अभी तक मात्र 60% कार्य पूर्ण हुआ है। जबकि हकीकत ये है कि उक्त कार्य नर्मदा विभाग व राज्य सरकार के खाते में कार्य पूर्ण होकर पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार उक्त कार्य वर्ष 2025 तक पूर्ण होना मुश्किल लग रहा है। ज्ञापन में चिताया कि उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण नहीं किया गया तो मजबूरन राजस्थान किसान संघर्ष समिति आंदोलन के लिए उतारू होगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद थे। इसके बाद समिति के सदस्य शेखर व्यास, मोहन सिंह सिसोदिया, अशोक सिंह ओपावत, दिनेश दवे नवीन व श्रवण सिंह राव ने सीएम के नाम एसडीएम जवाहर राम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नर्मदा नीर संघर्ष समिति द्वारा नर्मदा के नीर की मांग को लेकर करीब 1.5 माह से नियमित आंदोलन चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा आंदोलन को अनदेखा किया जा रहा है। लोकतंत्र में जनता द्वारा वाजिब मांग को लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संचालित आंदोलन को जिला कलेक्टर जनता को हल्के में आंक कर कमजोर समझ रहे हैं, जिसको लेकर समिति व आम जन में भारी आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में चिताया कि आंदोलन के द्वितीय चरण में क्रमिक अनशन, प्रशासन व जन प्रतिनिधियों के निवास व कार्यालय के बाहर मटका फोड़, ढोल नगाड़ व घंटी बजाकर जगाने और सरकार, जन प्रतिनिधियों व प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सरकार व प्रशासन की आंखें नहीं खुली तो 28 सितंबर से भीमा नगर सहित विधानसभा क्षेत्र में चक्का जाम और बेमियादी अनशन का आगाज किया जाएगा। इस दौरान कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। जागरूक टीवी की भीनमाल से पर्वत सिंह राव की रिपोर्ट।